सो यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ टेक्सचर पैक रिव्यू। एंड ये टेक्सचर पैक आपको पीवीपी में बहुत अच्छा लगेगा एंड एसएमपीज में भी। सो बिना किसी टाइम पास की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आपको यहाँ पर नेदरराइट की सोड एकदम अच्छी लगेगी, मतलब क्योंकि इसका टेक्स्चर ही इतना अच्छा है। एंड ये भी काफ़ी मतलब अच्छी खासी पतली पतली लग रही है। एंड यहाँ पर डायमंड सोड तो बेड वो जो एंड ये डायमंड सोड तो छोटी हो गई आई गेस। एंड गोल्डन सोड तो नॉस्टैल्जिया दे रहा मुझे। एनीवेज यहाँ पर आयरन सोड की ये इतनी लंबी कर दी है, ये इतनी लंबी कर दी है इन्होंने आयरन सोड की ये। और ये स्टोन की सोड भी बहुत अच्छी लग रही है। रीजनरेशन का पोशन है ये, पी के देखते हैं। ओह माय गॉड, यहाँ पर वो डाल दिया, मतलब आजकल ये इसका ही जमाना चल रहा है। एंड यहाँ पर स्प्लैश पोशन का भी एनिमेशन देख लेते हैं, आवाज़ तो सेम ही है। एंड यहाँ पर शील्ड, ओ माय गॉड, लाल लाल। ओम यहाँ पर इंगट्स में इन्होंने एक आई गेस शाइन डाला है सब में, और एंडल पल में भी एक मतलब एनिमेशन डाली गई है। यहाँ पर आप पिकैक्स देख ले, डायमंड की पिकैक्स, यहाँ पर डायमंड की पिकैक्स भी मतलब लाइट काफ़ी लाइट कर दी है ब्लू, मतलब लाइट ब्लू पहले से ही थी लेकिन अब और कर दी। कोई बात नहीं, यहाँ पर बाकी सब थोड़ा सा सेम है, ये भी सेम है, लेकिन नेदरराइट के सारे चेंज है। पिकैक्स में भी आपको एक मतलब ये वो लग रहा है जेम आई गेस, और ये एक्स और ये शवल, ठीक है। ओ माय गॉड, ये आर्मर के फुल स्लीव्स कर दिए हैं, क्योंकि आर्मर ऑब्वियसली हाफ स्लीव्स में वो देते हैं। सो इन्होंने अब फुल स्लीव्स में, ये देखें फ्लिंट एंड स्टील भी 32x हुआ हुआ है, सो दैट्स नाइस। एंड ये एरो आई गेस ये खून जाहिर कर रहा है, क्योंकि ये लोगों को लगता है तो खून निकलता है ना, तो ये खून खून हुआ। सो गाइज, मैंने ये आर्मर पहन लिया एंड आप देख लें फुल स्लीव्स कर दिए गए हैं, क्योंकि आजकल किसी यूट्यूब मतलब टेक्सचर पैक की कम्युनिटी में किसी ने नहीं किया एंड इस बंदे ने कर लिया है। सो ये हिस्ट्री बना लेगा शायद। एनीवेज अब इसका हम पार्टिकल्स देखते हैं, इसके हम पार्टिकल्स देखते हैं डैमेज के। इसने आर्मर स्टैंड को तो 8x कर दिया, मतलब इसका कोई टेक्सचर ही नहीं है। इस वो देखते हैं पार्टिकल्स, लाल पार्टिकल्स हैं। एंड यहाँ पे क्रिस्टल भी लाल हुआ हुआ है, और ये 32x है रिस्पॉन एंकर। एंड ये फायर पर्पल है तो डैमेज भी पर्पल ही मिलेगा। सो अब हमने देख लिया कि किस तरह का लगता है, एंड अब इसे पीवीपी करते हैं, क्योंकि हमने देखना तो है कि पीवीपी के साथ किस तरह का दिखता है। सो लेट्स गो टू गेमर्टी एंड स्टार्ट आवर पीवीपी। सो गाइस, मैंने पीवीपी स्टार्ट कर दी है एंड ओह शिट, ये तो पहले ही आ गया। ओह माय गॉड भाई, ये तो मुझे पहले ही मारना शुरू हो गया। वैसे ही कह दूं पहले मैं थोड़ा सा नूब हूं, सिर्फ थोड़ा सा, मतलब मैं ठीक ठाक कर लेता हूँ, एवरेज हूँ मैं। इसका नट गया, ओह मेरा गया। सो गाइज, आ गई हूँ मैं गेमर टीम में पीवीपी करने के लिए वो इस टेक्सचर पैक के साथ। लेकिन मैं आया हूँ, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, मतलब मैं अपने वर्ल्ड में था टेक्सचर पैक वाले वर्ल्ड में तकरीबन 3 घंटे पहले, एंड 3 घंटे बाद जाके मैं पीवीपी करने आया हूँ इसी टेक्सचर पैक से। एंड उसका रीज़न ये है कि 2 घंटे पहले मैंने देखा था मेरी माइनक्राफ्ट नहीं चल रही थी, तो फिर मैंने 2 घंटे बाद आया, फिर जाके मैंने रीस्टार्ट किया, फिर जाके मेरी गेमर टीम चल गई, आ भी गया। पहले कह दो मैं पीवीपी में इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं एवरेज से थोड़ा नूब हूँ, थोड़ा या फिर ज़्यादा आईडी के। ओह माय गॉड, वीआईपी रैंक तो मेरे पास भी है, लेकिन गया लगता है मैं गया आई गेस। अबे यार गया मैं सारे अपने पोशन, ओए नहीं नहीं ब्रा, गया लगता है उसका नेट। ओ जी, इसमें आपको अब मेरी इन्वेंट्री देख के पता चल ही गया होगा। वैसे ओवरऑल टेक्सचर पैक नॉट बैड,
आई रेट इट 7.5 out of 10। गया ये, गया ये। इसने मेरा एक भी टोटम पॉप नहीं किया। अबे एक तो हिट लग जाए तेरा। हाँ फाइनली एक टोटम गया। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।